हरे कृष्णा। हमारे भागवत प्रभाव में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के पांचवें स्कंद के अध्याय 3 पर। जिसमें बताया गया है कि महाराज अग्निंद्र जो थे उनके सबसे बड़े पुत्र नभि महाराज ने, जिनका विवाह मेरु देवी से हुआ, उन दोनों ने संतान प्राप्ति हेतु तपस्याएं करी। ये बहुत जरूरी है कि व्यक्ति अपने जीवन में ग्रस्त आश्रम में प्रवेश करने से पहले भजन मार्गी हो जाए। संसार में लोग भोग मार्गी तो हैं, भजन मार्गी नहीं। जो लोग भजन मार्गी होते हैं उनकी संतान भी भक्त रूप में जन्म लेती है, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन जो लोग भोग मार्गी हैं उनकी संतान, चाहे उसका नाम आप राम रखो, कृष्ण रखो, कुछ भी नाम रखो, वो बदलने वाला नहीं है, क्योंकि उसका बीज ही खराब हो गया। जब बीज ही खराब हो गया तो संतान अच्छी कैसे होगी। लेकिन नभि और मेरु देवी ने, दोनों ने मिलकर भगवान की कठोर तपस्या और भजन किया, उसके फल स्वरूप सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उनकी उस स्थान पर कई वर्षों की तपस्याओं से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने स्वयं अपना दर्शन दिया। और भगवान विष्णु ने कितनी सुंदर बात कही है, ये इसी अध्याय का 17 नंबर श्लोक है। श्री भगवान वाच, अहो बहतम ऋषयो भवाद्भिर् अवीतत गिरभिर् वरम असुलभम अभियचित्तो यदमोस्यात्मजो मया सदसो भूयात् इति मामहम् एवाभिरूपः केवल्यानतापि ब्रह्मवदो न मृषा भवितुम् अर्हति मामेव हि मुखम् यद् द्विजा देवकुलम्। इसमें भगवान ने कहा, श्री भगवान जी कहते हैं, बता अहम्। भगवान बोले, मैं तुमको क्या बताऊं, तुम्हारी प्रार्थनाओं से बड़ा प्रसन्न हो गया, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना में तुमने मुझको मांगा है और मैं, मेरे जैसा और कोई नहीं है, मैं ही हूं। कितनी बड़ी बात है। लोग कहते हैं जी हम तो सारे भगवान एक जैसे हैं, किसी को भी मान लो सारे रास्ते वहीं तो जा रहे हैं, उसी से जाके तो मिल जाते हैं। बिल्कुल भ्रम है। किसी एक स्थान पर जाने के लिए उस स्थान की ट्रेन में बैठना पड़ता है। बंबई जाना है तो बंबई की में बैठो, चेन्नई जाना है तो चेन्नई की ट्रेन में बैठो। हवाई जहाज अमेरिका को लोगे तो अमेरिका जाओगे, ऑस्ट्रेलिया का लोगे तो ऑस्ट्रेलिया जाओगे। जैसा आपने गंतव्य चुना है उसी गंतव्य में जाओ। तो सारे देवता हैं लेकिन परंतु एक है भगवान। इसलिए भगवान स्वयं कह रहे हैं, अरे ओ ऋषि नाभि, तुम्हारी पत्नी मेरु देवी, तुम दोनों मुझे चाहते हो, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, तो मैं क्या करूं, कहां से तुम्हें पुत्र दूं, क्योंकि तुम मुझे चाहते हो, मैं कहां से लाऊं, मेरे जैसा तो केवल मैं हूं। इसलिए प्रभुपाद जी ने शब्द इस्तेमाल किया सुप्रीम। सुप्रीम कोर्ट होता है ना, उसके बराबर का ना तो हाई कोर्ट होता है ना तो सेक्रेटरिएट होता है। कोई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ना तो बराबर है ना तो उसके ऊपर है। इसलिए भगवान कृष्ण को सुप्रीम लॉर्ड कहते हैं, ना तो उनके कोई ऊपर है ना उनके कोई बराबर है। बराबर भी नहीं है, सारे भगवान बराबर नहीं होते। यहां बता रहे हैं भगवान स्वयं, भगवान वाच, भगवान कह रहे हैं मेरे बराबर कोई नहीं है, मेरे जैसा भी कोई नहीं है, मेरे जैसा भी कोई नहीं। इसलिए मैं अब तुम्हारे घर में आऊंगा अपने अंश रूप में। इस प्रकार महाराज नाभि और मेरु देवी के घर में जब भगवान ये कहकर अंतर ध्यान हो गए, दोनों बड़े प्रसन्न हुए और कुछ काल बाद उनके घर में ऋषभदेव भगवान का जन्म हुआ। भगवान ऋषभ, भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार है ऋषभदेव अवतार। ऋषभदेव की क्या क्रियाएं हैं, क्या चर्चाएं हैं, कैसे उन्होंने अपने संसार को आगे बढ़ाया, इसकी चर्चा हम अपने अगले एपिसोड में करेंगे। हरे कृष्णा।